दर्शकों, मैं हर्षा गुंटला बेल्जो टीवी की तरफ से आज आपके सामने दो योगा के इंस्ट्रक्टर को लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे शरीर में जो जो रोग है और उसका इलाज हम दवाओं से तो करते ही है, लेकिन योगा द्वारा भी हमारे रोगों की मुक्ति हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का योगा किस रोग के लिए जरूरी है करना। तो पहले हमारे पास जो बैठे हैं, इनका नाम है विजय पांडे जी और उनके बाजू में बैठे हैं सीताराम यादव जी। नमस्कार। तो सबसे पहले सीताराम यादव जी शुरुआत करते हैं। यादव जी, बताइए हमारे दर्शकों को। योगा से हम जितनी भी बीमारियां हैं, अभी बहुत सारी बीमारियों का लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके आगे भी बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, सभी का इलाज योगा के द्वारा है, हम कर सकते हैं योगा से। और योगा जो है, इसमें खर्चा आपका कुछ भी नहीं आता है, खाली एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है और कुछ नियम हैं जिसका पालन करना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं, कोई भी काम करने के पहले हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो जिसमें मुख्य शब्द जो है ओम है। ओम कोई जाति संप्रदाय या किसी से रिलेटिव नहीं है, ये एक डिवाइन वॉइस है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, आ उ और माँ। आप जोर से आ बोलिए तो देखेंगे आपका पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, पेट अंदर जाता है। उ बोलिए, उ बोलने से आपके हार्ट के इधर दबाव पड़ता है, और माँ बोलने से मस्तिष्क के ऊपर। तो ओम बोलने से आपका पेट, आपका हार्ट, आपका मस्तिष्क तीनों स्वस्थ हो जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें स्वस्थ हैं तो आपको बीमारी कहाँ होगी, बीमारी खत्म हो जाती है। तो खाली ओम का अच्छी तरह से हम उच्चारण करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों, सीताराम यादव जी ने आपको ओम का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताया है, तो इसके आगे वो आपको योगा का क्या इम्पोर्टेंस है आपके शरीर के रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तो सीताराम यादव जी, अभी कौन सा योगा करने से कौन से रोगों से मुक्ति हमारे दर्शकों को मिल सकती है वो हम बताएंगे। हाँ, तो पहला उच्चारण, ओम का उच्चारण करने के लिए कुछ नियम है कि किस तरह से हम ओम का उच्चारण करें। तो जो आ शब्द है उसका लंबा उच्चारण करेंगे, उसके लिए और मुंह आपका जो है थोड़ा सा खुलेगा, और जब माँ बोलेंगे तो ओठ जो है आपका थोड़ा सा बंद होएगा और माँ में पूरा बंद हो जाएगा। तो एक बार मैं करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मिल के करेंगे। ओके। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे मेन चीज़ है हमारा बैक बोन सीधा होना चाहिए, कमर हमारी सीधी रहे, गर्दन हमारा सीधा रहे और हमारी आंखें जो हैं वो हल्की सी बंद रहें, क्योंकि 83% जो है एनर्जी हमारी आंखों के द्वारा बाहर चली जाती है। अगर हम आंखें बंद करके भी बैठते हैं तो अपनी 83% एनर्जी हम बचा सकते हैं। अच्छा, हम अगर झुक के बैठेंगे तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के जो फोर्स जो है वो खींचता है, तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर दबाव आता है जिससे हमको तनाव होता है। इसी तनाव की वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो योग क्या करता है कि तनाव को ख़त्म करता है। तो अगर हम झुक के बैठेंगे तो हमें फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसलिए तो हमेशा दर्शकों, सबसे पहले आपको नियम ये याद रखना है कि योगा करते समय आपकी आँखें बंद, आपको स्ट्रेट बैठना है, जरा भी झुक के नहीं, पेट के टायर को सीधा करना है, तभी वो टायर कम हो सकता है। तो यादव जी आगे बताइए। हम खूब गहरी सांस भरेंगे
तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू करें जी। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वेद के मंत्र हैं, उसका एक एक शब्द आपके शरीर के एक एक अंग को वाइब्रेट करता है, हीलिंग करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। तो हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। शुरू करें जी। मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे जी। मृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा गया है कि अगर कोई आदमी बहुत बीमार है, ऐसा लगता है कि अभी उसका प्राण निकल जाएगा, अगर करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो उसका जो मौत को टाल सकते हैं हम, तो इतना इसका इफेक्ट होता है, उसका वाइब्रेशन ऐसा हीलिंग शरीर में होता है। तो हम मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओके। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोचनम् आमृता। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। तो हम जो संसार को देते हैं, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। तो यहाँ पर हम पूरे संसार के लिए जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, भगवान ने जिनको जिनको बनाया है, सबके भले के लिए सब स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, उसकी कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा हाथ के हथेलियों को घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, खड़े होके कुछ आसन है, कुछ एक्सरसाइज है जी, तो उसको करेंगे जी। तो पहले खड़े होके कुछ एक्सरसाइज हम लोग आपको बताएंगे दर्शकों। हाँ। खड़े हो जाए। तो जिसमें पहला आसन है ताड़ासन। कौन सा? ताड़ासन, इसका नाम है ताड़ासन। बच्चे अगर ये करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका बैलेंस अच्छा होता है। हाथ को लॉक करें, उंगलियों को जी, सांस भरते हुए ऊपर खींचें, पंजे के ऊपर खड़े हो जाएं, 10 से 15 सेकंड रुकें, तो इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तड़ आसन। तो दर्शकों, बच्चों के लिए तड़ आसन जरूरी है, जिसमें आपको दोनों हाथों को जोड़ के अपने तलवों पे खड़ा रहना है। धीरे धीरे हाथ, धीरे धीरे हाथों को नीचे कीजिए। अभी दूसरा आसन है वृक्ष आसन। अच्छा। जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, शरीर का बैलेंस अच्छा होता है। तो बाएं पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। हाँ। दाहिने पैर को घुटने के ऊपर रखें या ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, वृक्ष वृक्ष आसन।
ओके झाड़ वृक्षासन और ऊपर हाथ को ले जाएं मर गए बैलेंस करें बैलेंस करें तो इससे क्या आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है शरीर का संतुलन अच्छा रहता है और इससे मनोविकार भी दूर होते हैं मस्तिष्क का कोई भी रोग होगा इससे दूर होता है धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं अभी दूसरे पैर से करेंगे ओके रिपीट करें वैसे ही दर्शकों लेफ्ट और राइट दोनों पैरों से आप यही आसन करना जरूरी है तो एक पैर से हुआ वे दूसरे पैर से 10 से 15 सेकंड रुकें धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आए जी इसके बाद है कटिबंध आसन कमर के लिए कटिबंध आसन जी दोनों हाथ आगे करेंगे उससे क्या फायदा होता है कटिबंध से आपका कमर जो है कमर पे जो फैट बढ़ गया है हाँ वो कम होता है अच्छा कमर लचीला होता है हाँ हाँ और कमर के लिए बहुत फायदेमंद है ओके तो कटिबंध आसन कमर के लिए जरूरी है हाँ बताइए दोनों हाथ आगे करेंगे आगे किए अभी सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे अच्छा ओके बायां हाथ पूरा आगे जाने दो दायां हाथ आपको कंधे पे आ जाए हाँ थोड़ा रुकें हाँ सांस लेते हुए सामने आ जाएं हाँ वापस सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएं हाँ सांस लेते हुए आगे आएं और धीरे से हाथ ओके तो ये 5 बार 10 बार जी